फंसी आज ही बाहर आना है। Time is over before you know you're older. So sober, a loner, you get in my photo. Today is the official last day of university. Ek to result aayega aaj. You get in nothing. Aur aaj last day hai kyunki aaj hamara result bhi aa jana hai. Do select aa chuke hain. Do ka reh gaya aur humne ye final apna submit karwana hai. Draft nahi kaise le ye kya tha? Research copy. Ha. Phir uske baad hum ek din aayenge clearance karane. लास्ट डे तो हमने कहा हम लिफ्ट की अपॉर्चुनिटी अवेल कर लेते हैं, फिर तो शायद हमने आना नहीं है कभी। दोस्त होते हैं ना अभी पढ़ रहे हैं तो इस तरह सीनियर्स आते हैं मिलने, उनसे उन्हें बताने कि किस तरह क्या क्या करना है, हमें तो कोई बताता ही नहीं था। कैसा हुआ था? एंड शी गॉट 73 क्योंकि इसके मिड में सिर्फ 7 नंबर थे। इतना पढ़े बच्ची ने, इतना पढ़े देवा अपने असिस्टेंट्स बुलवा लिए हैं। बस देख रहे हैं हमने और ठंडे होकर बैठे हैं। हो गई डिग्री कंप्लीट। आखिरी सेमेस्टर में तुमने सच में आग लगाई है। 7 नंबर जिसके मेरिट में हो और फिर उसने 73 नंबर जो है ना फाइनल में लेके। वॉचिंग एमन्स वेडिंग पिक्चर्स, यार जल्दी जल्दी आगे करो ना, एमन की जहाँ है वो दिखाओ। मतलब जेठानी नंदे दिस दैट बच्चे वगैरह मेहंदी लेके हमें क्या लगे तुम्हारी जेठानी और नंदों से, हमें तुमसे मतलब है। बड़े हमारे नाम आई मॉल सारे के सारे जो कि घोड़े की टोपी में जाने हैं। मीरा अल्लाह फेस फॉरएवर। बताती हूँ आपको कि हम रिकमेंडेशन लेटर पर पेस्ट करवाने आए हैं। हमारी इतनी होनी है कि हम लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और हमें इसका फोन नहीं। यार एक ये बंदा देख मिनते कर रहे हैं टीचर के, अभी यहाँ पे क्या करने आए हो? इनसे मिलने आए, इनसे क्या मिल के क्या कहना है कि सर को कॉर्पोरेट वाले को क्या मुझे पास कर दो? इंसान जैसा सोचता है ना वैसा वो बिल्कुल भी नहीं होता। मैंने सोचा था आज आए हैं जो काम करने वाले हैं वो करके जाएंगे, कोई नहीं जो काम रह जाते हैं ना वो रह ही जाते हैं। क्या हो सकता है, देख पाते अब तो एक बजे तो वैसे सारे टीचर ना करते ना, हमारी रोटी का टाइम हो गया है जी, रोटी तो कोई कुर्बान नहीं करता, इसलिए अब हम कुर्बानी देंगे, फिर जब किसी दिन आएंगे तो करवा लेंगे काम। मुझे पूछा कि हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स का क्या करेंगे, मैंने कहा क्या करना है यार, उन्होंने इकट्ठे करके एक जगह रखेंगे, फिर टिंडोपे वाले को कॉल करेंगे भाई आप जाओ बैंक से कोई 2-3 लाख रुपया निकाल के लाओ, हमारे पास काफ़ी रद्दी जमा हुई हुई है, तो और इन्होंने क्या करना है, तो मैं इधर संभाल के रखेंगे अपने पिछले बच्चों को दिखाएंगे। हाँ ये देखेंगे आप लोगों के जो ना जब सीनियर्स थे उन्होंने देखे कितनी छापे मार मार के प्लेजरिज्म के साथ हमने रिजल्ट सबमिट करवाई है। गर्मी ने इतना बड़ा हाल कर दिया कि फाल खत्म हो गए। मैं दुआ करती शुक्र एलिवेटर चल रहा है, मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह पाक हमें बैठने की जगह मिल जाए जो कि मिल गई है, शुक्र अल्लाह का। गेस करें हम कहाँ जा रहे होंगे, क्या गेस करें हम कहाँ जा रहे होंगे? मामे आ गए काफ़ी अर्से के बाद मैं आई हूँ सर डोरे, कितने महीनों बाद, 5-6 महीनों के बाद। मामा कहते हैं हाँ मामे तो चलिए मामे ससुराल, पति ने सही नाम रखा हुआ है, तो इंजॉय करते हैं, खाने पीने आए हैं वैसे टाइम भूख लगी हुई, इसके बाद हमने एक इंटरव्यू के लिए जाना है तो वो भी इसका करीब ही था ब्लू एरिया में, तो मैंने कहा खाना यहाँ से खा लेते हैं। मेरे को शॉपिंग करनी थी, ऐसे मुझे गिफ्ट दिलाने थे क्योंकि हम ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो मैंने कहा व्हाई नॉट, हम यहाँ पे अच्छी वैरायटी भी होती है और है ना ब्रांड्स भी सारे हैं, तो क्यों थे वह हम इधर ही चले जाते हैं ना। एक कैंडी बिस्किट खाया था और मैंने वो जो बनारसी में स्लाइस खाए थे बस वो, तो भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई है, मैंने इसको कहा पहले हम राजकी चोरी खाएंगे, मतलब मेरी फेवरेट इसलिए हम यहाँ आए हैं और फिर हम कुछ और खाएंगे, ऐसे कैसे तो ले लेना। इतना थके हुए थे कि खा लिए अगर करें लेट जाए, लेटने का इंतजाम नहीं नहीं किया हुआ। ये तो आइसक्रीम खाने आ रहे हैं, मतलब कंफर्म नहीं था कि यहाँ से मिलती है, तो कंफर्म कर दिया अब हम पहले शॉपिंग करेंगे, कई बार फिर शॉपिंग जो करवानी है फिर उसके बाद हम आइसक्रीम खाएंगे। करना पसंद नहीं करते बट रीडिंग करना पसंद करते हैं, तो ये कभी उनके लिए ये लिखा क्या हुआ इसमें, बट ये इतनी जो है ना इतनी नीचे से कटेगी तो मुझे पूरी आएगी, अगर किसी बंदे की हाइट 5'7" हो तो उसको पूरी पूरी आएगी। ये गोल घेरे वाली शर्ट है पर तैयार ने मुझे खपा मारा है, नहीं मिल रही उसे,
ऑन स्टेज मैंने कहा ले लो, लेकिन ऑन स्टेज लेनी नहीं क्योंकि उसका दर्द यहाँ अवेलेबल नहीं है। मैं कहा जगह उठ बैठ गया, उन्होंने कहा मेरी बस हो गई एंड शी इज स्टिल सर्चिंग। मेरी तो बस हो गई, मेरे पैरों की बस हो गई यार, पैर चीख रहे हैं आज तक नहीं क्या हुआ। सेकेंड मील तेई मैंने ज़बरदस्ती खिलाया, मेरा कोई मूड नहीं था खाने का, मुझे भूख नहीं थी। नहीं तो मैं कहती खाने में तो मेरा मुंह देखोगी क्या, तो मैं ऐसे बैठ के देख लेती हूँ, साथ में आंटी को भी देख लेती। आंटी मुझे इतनी अच्छी लग रही है ना यार, मेरे हाथ चुप करने लगे। मेरी मामा कैसे कहती है हावड़े के मारे हुए, क्योंकि मेरे पास टाइम कम, चार बजे इंटरव्यू के लिए जाना था। टाइम क्या हो गया, 3:30 से ऊपर हो गया होगा। हाँ जी दिखी ना अभी तुमने एंड माई शॉपिंग बैग, हो गई हमारी वाला कर दी आज की, ये लो इतना ठीक है। लेकिन इस जाहिल औरत उस तरफ से तुम्हारे 1.5 किलोमीटर चल के इतनी तपती धूप में जो है ना हमें ढूंढने जा रहे हैं। सही हमने जो है ना काम पूरा किया है कि नौकरी ढूंढने जा रहे हैं हम यार, मतलब इतनी गर्मी है, ऊपर से पानी भी गर्म हो गया मेरा तो। लो देखो पहुंचा है, पता भी नहीं चला कहां खड़ा टी दिया। इंटरव्यू में अब थोड़ा ठीक ही गया, तैयबा का पता नहीं। मैं घर से सोच के गई थी कि मैंने इस डिपार्टमेंट में काम करना है, वहां जाके मैं चेंज कर रही हूं अपना। इधर से चले, इधर से चलते हैं। तो अभी बस बैंक से पैसे निकलवाने हैं, क्योंकि मैं सुबह मम्मा से उधार मांग के लेकर आई, और मांगना जो है ना मुझे सबसे बुरा काम लगता है। अब फारिग हो गए हैं, मैं दुआ करूँ मेरे पापा लेने आते हैं आगे से। पापा ये लगे गर्मी बहुत है, बेटा आओ खुद ही आओ। पापा जी प्लीज़ ऐसे मत करना, मैं फ़ोन डालने लगी हूँ बैग में, क्योंकि मुझे शदीद गर्मी लग रही है। मैं कहने लगी हूँ हाई पोनी बहुत हो गया फैशन। जाते हुए ना एलिवेटर ख़राब था, हमने सीढ़ियाँ चढ़ी, मैंने सीढ़ी चढ़ते हुए कहा बिस्मिल्लाह। अगर कहते बेटा इधर आओ, ये लिफ्ट से चले जाओ। मैंने कहा अंकल को भी समझ आ गया कि बच्चियों की बात सुनी पड़ी है। खुल जा डरा दिया लेने के दिन ना पड़ जाए यार, डर लग रहा है। घर आके है ना वो दुनिया के किसी कोने में नहीं है, और मेरे पैर आज टूटने वाले हो गए हैं। ये तो आप व्लॉग देखोगे तो आपको पता लगेगा क्या हुआ है। तो इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं इख्तिताम, अल्लाह हाँ। उर्दू का भी सत्यानाश हो गया मेरी, गर्मी ने सब कुछ खराब कर दिया। उल्टा पुल्टा उठा उठा के मारती है। बाय बाय। गर्मी भी कहती है पटक पटक के मारूंगी, पटक पटक के मारूंगी।